92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज का सहर कार्यक्रम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, कुछ बहुत सुंदर भजन होंगे इसमें और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा दोहा है जिससे हम ये शुरू कर रहे हैं, जिससे पता लगता है कि ये देह क्या है और ये आत्मा क्या है। देही माही विदेह है साहेब सूरती स्वरूप, देही माही विदेह है साहेब सुरति स्वरूप, अनंत लोक में रमी रहा जाके रंग न रूप, अनंत लोक में रमी रहा जाके रंग न रूप। सुरती के समान रूप वाला परमेश्वर देह में विदेह रूप में स्थित है। जी हाँ, ये जो देह है इसके अंदर परमेश्वर ने अपना एक स्थान बनाया हुआ है और वो असंख्य लोगों के अंदर रमण कर रहा है, घूम रहा है। परंतु वस्तुतः विचार किया जाए तो ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई आकार है और ना उसका कोई रूप है। अशरीरम शरीरेशु, बस उसका रूप यही है कि वो एक शरीर के रूप में आता है और जब निकल जाता है वो तो शरीर निष्काम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए उस आत्मा स्वरूप ईश्वर पर विश्वास करिए, उसको खोजिए कि वो कौन है जो हमारे शरीर को चला रहा है। उस शक्ति की ओर हम अपना ध्यान दें, उस शक्ति को जो परमात्मा है उसी शक्ति की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस शरीर को जो उन्होंने हमें दिया है और हमने धारण किया है उससे अच्छे काम करवाएं, सत्कर्म करवाएं, ऐसे काम कराएं कि समाज का इससे भला हो। देही माही विदेह है साहेब सुरति स्वरूप, अनंत लोक में रमी रहा जाके रंग न रूप। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको लेके चलूंगा एक बहुत सुंदर स्थान पर जहाँ की कथा आप सुनेंगे और आपको आनंद आएगा। आज आपको लेके चलता हूँ महाबलीपुरम तमिलनाडु में शोर मंदिर। जी हाँ, बहुत पुराना मंदिर है और ये ग्रेनाइट स्टोन से बना है, बहुत सुंदर मंदिर है। लोग जाते हैं, इसका बड़ा आनंद लेते हैं क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के तट पर है तो जगह भी इसकी बड़ी खूबसूरत है, चारों ओर पानी आपको इसमें नजर आएगा। यूनेस्को में इसकी चर्चा है, इसका उल्लेख है तो ये एक बहुत विशेष मंदिर माना जाता है। इसे सात पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कहानी कुछ ऐसी है कि प्रिंस हिरण्यकश्यप ने सबको मना कर दिया कि भगवान की पूजा न की जाए, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु ही सबसे महान है, उनकी पूजा अवश्य की जाएगी। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का झगड़ा हुआ। हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की निंदा की, बुराई की, तो प्रहलाद ने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि भगवान विष्णु हर स्थान पर है, यहाँ तक कि आपके महल की दीवारों में है, स्तंभ में है, पिलर्स में है। और एक स्तंभ को जोर से हाथ मारा, उस स्तंभ में से भगवान विष्णु एक शेर के रूप में निकले और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद राजा बने और उनके बेटे बाली ने ये मंदिर बनाया महाबालीपुरम में। 2004 में जब सुनामी आया था तो आसपास के स्थानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस मंदिर को नुकसान नहीं हुआ, वाटर लेवल कुछ ही मिनटों में नॉर्मल हो गया। तो आप कभी भी अवसर मिले महाबलीपुरम जाइए तमिलनाडु में और शोर मंदिर के दर्शन कीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, मैं अनूप जलोटा आपके सामने पेश कर रहा हूँ और अब आपको सुनाता हूँ एक भजन कि जब भरत अयोध्या वापस आए तब तक राम लक्ष्मण और सीता वनवास को जा चुके थे। उस समय भरत क्या कह रहे हैं, मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम, जननी जननी मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम, भोर होत हमहू बन जई है, आई है अवध के काम, जननी मैं न जीऊं बिन राम, जननी मैं न जीऊं बिन राम, राम लखन सिय बन को सिधारे,
पिता गए सुरधाम। राम लखन सिय बन को सिधारे, पिता गए सुरधाम। जननी मैं न जियूं बिन राम। कुटिल कुबुद्धि कुल छनी तुझे, कौन दियो ये ज्ञान। जननी मैं न जियूं बिन राम। तुलसीदास कौन अपराध बस, भय विधाता बाम। जननी मैं न जियूं बिन राम। जननी मैं न जियूं बिन राम। भरत जब अयोध्या वापस आए तो पता लगा कि उनके पिता पर लोग सुधार चुके हैं, राम लक्ष्मण सीता बन जा चुके हैं और उनकी माँ कैकेयी ने ये सब किया है। बस अपनी माँ को यहाँ तक कह दिया कि कुटिल कुबुद्धि कुल छनी तुझे, कौन दियो ये ज्ञान। और सच तो ये था कि कैकेयी ने जो कुछ कहा उसके पीछे तो बहुत बड़ा रहस्य था। भगवान राम को जाना ही था वनवास, क्योंकि वहां जाके उन्हें रावण का वध करना था, ये राक्षस योनि को समाप्त करना था। प्रभु जाने विधि जाने विधि का विधान। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और आज मैं एक बहुत अच्छी गायिका को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कानपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने संगीत सीखकर संगीत को सिखाना शुरू किया। ये बहुत अच्छा काम है कि जो हमने सीखा वो हम समाज को वापस करते हैं। ईश्वर बहुत खुश होता है यदि कोई मनुष्य अपने ज्ञान को बांटता है। तो आज मैं आपको मिलाता हूँ शिवांगिनी से। शिवांगिनी वेलकम टू सहर। थैंक यू वेरी मच, इट्स माई प्लेजर। बहुत खुशी। आजकल कितने स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास? आज की डेट में होंगे 180-190 के आसपास। अरे कमाल है, इतने सारे। एक मैं भी आ जाता हूँ। ये तो सब आपकी वजह से है। मैं आ जाता हूँ तो 200 हो जाएंगे। अरे मोस्ट वेलकम। 200 नहीं, 2000 हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम कर रही हो। आई ऑलवेज फील प्राउड ऑफ यू। आप ही मेरी प्रेरणा है। गाना कौन सा सुनाने वाली हूँ? आप ही का लिखा हुआ, आप ही का कंपोज किया हुआ, आप ही के साथ गाया हुआ एक भजन। चलो सुना। तन रामायण मन है गीता, जग में दो ये परम पुनीता। गीता तो है अमृत वाणी, अपना ले जो जग में प्राणी। गीता में श्री कृष्ण विराजे, रामायण में राम और सीता। तन रामायण मन है गीता, हो मानव का पथ रामायण। गीता का जो पोत परायण, दोनों को अपनाया जिसने, उसने ही सारा जग जीता। तन रामायण मन है गीता, जग में दो ये परम पुनीता। बहुत सुंदर। खूब अच्छा करो, जिंदगी में खूब नाम करो और हमारे सहर कार्यक्रम की तरफ से सारे जो श्रोता हैं वो सब तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पे अभी आप सुन रहे थे शिवांगिनी को, कितना सुंदर गाती हैं और कितना अच्छा काम कर रही हैं कि 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये संगीत सिखा रही हैं। तो आज का सहर कार्यक्रम शिवांगिनी के गायन से हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह एक नए सहर कार्यक्रम के साथ और आपके सामने मैं बिल्कुल समय से उपस्थित हो जाऊंगा। 6 बजे मैं आपके रेडियो पे होऊंगा, आप उसे स्विच ऑन करिएगा। नमस्कार। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।